कहानियां कही। आलिया कौन? अम्मी। बेटे इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो अम्मी तैयारी कर रही थी, प्राइवेट के पेपर्स होने वाले हैं ना, रमीज लाइट ऑफ करके सो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं। अच्छा अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं बना दूँ, चाय वगैरह कुछ? नहीं अम्मी, मैंने अभी पी है, आप जाएं सो जाएं, सुबह की जागी हुई है। ठीक है बेटा, तुम भी ज्यादा देर जागना मत, ठीक है? शब खैर। अम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं? मेरी बच्ची के क्यों पीछे पड़ी हुई है वो? ऐसा क्या बिगाड़ा मैंने उनका? मैंने तो कभी देखा तक नहीं उन्हें, फिर किस बात की सजा दे रही हूँ? अम्मा मुझे पता है आप हैं, अगर आप हैं तो मुझसे बात कीजिए, सामने आए मेरे, लेकिन खुदा रहा मेरी बच्ची को छोड़ दे। सुनिए अम्मा, अम्मा कौन है आप, यहाँ क्या कर रही हैं? झाड़ू लगा रही हूँ बिटिया। वो तो दिख ही रहा है, लेकिन इस वक्त? ये तो परसों से करती आ रही हूँ। क्या करती आ रही हैं? सफाई और क्या। वो तो ठीक है, मगर आप हैं कौन, अंदर कैसे आई? पहले तो आपको कभी नहीं देखा, और सफाई का कहा किसने आपसे? सफाई करने के लिए अजीज ने। अब्बू ने? अच्छा, जिक्र तो नहीं किया था अब्बू ने। चले अगर कर ही रही हैं तो कर लें आप, करें। Thank you.
जाओ भाई, मुझे भी जाना है। कहीं जा रहे हैं आप? मैं वॉक पे जा रहा हूँ। कुछ मत पाना? नहीं। सुनिए, वो बोलो। बाजरा लेते आइएगा। बाजरा? खैरियत? बस ले आइएगा ना प्लीज। ठीक है, कुछ कुछ और तो नहीं मंगा रहा? नहीं। दादू की जान, बोलो। दादू कहाँ जा रहे हैं? आपके दादू बाजार जा रहे हैं। दादू मैं भी चलूं? नहीं बेटा, देखो अगर आप दादू के साथ जाओगी तो फिर वजदान के साथ कौन खेलेगा? है वजदान। जी बताओ, तभी ठीक हो गई आपकी, बिल्कुल फिट? दादू प्लीज मैं भी चलूंगी। मेरी जान, आपकी दादी ने चीज मंगाई है समझिए, बाजार से। मैं अभी गया और अभी आया। क्या यार, सुबह से तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? आज तो मैंने ऑफ भी ले लिया। कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? कुछ भी, बात तो करो। आप बात करते हैं? हाँ, मतलब करता तो हूं। अच्छा आलिया, प्लीज तुम्हें क्या हो जाता है? मुझे क्या हो जाता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं मुझे क्या हो जाता है? आपके पास जैसे टाइम ही नहीं है। मेरी छोड़े, आपके पास तो बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है। उन्हें कुछ भी होता रहे, आपको क्या परवाह? क्या मतलब मुझे परवाह नहीं है? आखिर मेरे भी बच्चे हैं, मुझे बिल्कुल परवाह है। बच्चे हैं तो उस तरह अपना पूरा फर्ज भी अदा किया करें। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं अपना फर्ज नहीं पूरा कर रहा हूँ। यहाँ वाजदान बुखार में तप रहा था, आपको कॉल पे कॉल की मैंने, लेकिन आपको क्या परवाह? जैसे एक मासी मिल गई हो। मेरे एग्जाम्स चल रहे, आप जानते हैं, लेकिन आपको कोई फिक्र नहीं। मेरी छोड़े, आपको वजदान की फिक्र नहीं। वो जिस हालत में था, वो तो शुक्र है मुझे डॉक्टर अंकल का नंबर मिल गया और उन्होंने मेरी कॉल नहीं काटी। अब कहां जा रहे हैं आप? जहन्नुम में।
मेरी बॉल दो, मेरी बॉल दो, मेरी बॉल दो। अजीज साहब, ओ अजीज साहब, मुझे बुलाया? नहीं तो और किसे बुलाना है, पहचाने नहीं, हमें तो भूल ही गए आप। नहीं, देखा तो याद आ गया। कहो, कहना क्या है, जा कहाँ रहे हो? घर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? हाँ पता चला है मुझे, फिर मिल ही गया तुम्हें। यार बड़ा हाथ मारा है, कुछ हमारा भी ख्याल कर लिया करो, कुछ हम पे भी नजरें गरम कर दिया करो। बोलो क्या चाहते हो? अरे आप तो बुरा ही मान गए, छोटी सी बात पे बरसों के याराने गए। तुम्हारा हमारा कोई याराना नहीं, ना कभी था कभी होगा। मिली गए तो बोलो क्या चाहते हो? जी चाहना क्या है, तुम तो दिल पे ही ले बैठे। चलो आओ तुम्हें घर छोड़ दूं। शुक्रिया, मैं खुद ही चला जाऊंगा। हाँ हाँ जाओ जाओ, रोका किसने? लेकिन वैसे कभी खिदमत का मौका तो दिया नहीं, लेकिन फिर भी कभी जरूरत पड़े तो फोन कर देना। अच्छा अम्मी, सुबह अबू ने किसको बुलाया था सफाई के लिए? पता नहीं। बाहर लॉन में खातून थी। रहती है अनसुनी कहानियां कहीं, रहती है अनसुनी कहानियां कहीं। बहुत बदतमीज होते जा रहे हो तुम भाजदा, मन्नत को क्यों गिराया बोलो? खेल खेल में लड़ाई तो नहीं करते? मम्मा मैदान ने मुझे धक्का दिया, लेकिन चुम्बक चुम्बाई में धक्का नहीं देते। I know. Don't do this again, वर्जान, okay? Okay. तुमने क्या हुलिया बना रखा है? जाओ जाके बाल बनाते आओ। बाल नहीं ठीक करने, ये खाना है। अच्छा भवन, लो खाओ। आलिया चाय बन गई बेटा, आ जाओ। आई अम्मी। वाओ दादो, मेरे लिए। थैंक यू दादो। लो बेटा खाओ ना। क्या दो? ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? दादो इदान ने मुझे धक्का दिया है। ताशा क्यों हंस रही हो? उसके चोट लगी है ना? हंसने की क्या बात है, सीधे होकर बैठो। हाँ
वजदान। अच्छा अम्मी, सुबह अबू ने किसको बुलाया था सफाई के लिए? पता नहीं। बाहर लॉन में खातून थी, बूढ़ी सी थी। अच्छा तो क्या कह रही थी? ताशा, हाँ क्या कह रहे हैं? बस यही कहा कि अबू ने सफाई के लिए कहा है। मुझे बहुत अजीब लगा, फिर मैंने सोचा कि अबू ने कहा है तो। ताशा बस करो। क्या हुआ? दिखा मुझे। मम्मी खून। ताशा पागल हो गई है तुम? क्या हैरानियां से ये जानवर क्यों बन गई हो? बताओ। मुझे हाथ कैसे लगा? कौन है? बाहर निकलो। तू? देख तू दफा हो जाए यहां से। पास नहीं आएगा तू? अभी इसके अब पास आ जा, मगर यहां दोबारा नजर आए तो मैं जान से मार दूंगा। क्या हो रहा है अबू? वो ताशा। अबू मैं बताती हूँ, ताशा पे असर है, इस घर में कुछ है। क्या बकवास कर रही हो रमीज? अबू मेरी बात सुने, आज ताशा ने अम्मी को गले से पकड़ के उठा ली, वजदान के सर पे कांटा मारा। ऐसा कोई नॉर्मल स्टेट में नहीं करता। रमीज आप कुछ बोलते क्यों नहीं आज? उसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। आलिया एक मिनट, एक मिनट बैठो, बैठो, बैठो। अब इत्मीनान से मुझे पूरी बात बताओ। अब आज सुबह मैं और अम्मी खाने के टेबल पे बैठे थे, हम बस बात कर रहे थे। कैसे कर सकते फिर भी? इतना जोर ताशा में तो नहीं आ सकता। अच्छा बेटा बात को समझो, ताशा पे कोई असर नहीं, किसी पर कोई असर नहीं होता। ताशा बीमार है, उसके जहन बिल्कुल बच्चों की तरह से है।
उम्र बढ़ गई है उसकी, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करती है। रमेश जानता है ऐसी कंडीशन होती है, मतलब बाज दफा बच्चे को अगर कोई बात बुरी लग जाती है ना, तो वो ये नहीं देखता कि आगे कौन है। इस दफा कुछ और ही हुआ है, इतनी ताकत उसमें कभी थी नहीं। मैं आपसे कहती थी ना, इस घर में आने की जरूरत क्या थी आपको। जब से यहाँ आए दिन कुछ तो कुछ अजीब सा होता रहता है, कभी ताशा के साथ, कभी वजदान के साथ। एक दिन दूध फट गया, दूसरे दिन बर्फी गायब हो गई। बर्फी? हाँ, ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। हाँ बो, और आज पीछे गार्डन में मैंने एक बूढ़ी सी औरत को देखा, सफाई कर रही थी, पत्तों की सफाई कर रही थी। मैंने सुबह सुबह पूछा भी तो उसने कहा कि आपने उसको रखा है। पत्ते? अब वो आपने किसी को रखा है? आपने रखा है ना? नहीं। देखने में कैसी लगती थी? गोल सा मासूम सा चेहरा था, कुछ कुछ काले बाल थे, बहुत फेर थी, बहुत गोरी थी। हाँ, सफेद कॉटन की साड़ी पहनी थी उन्होंने। जब मैं वहां से चली गई, फिर मुझे ख्याल आया कि साड़ी पहन के सफाई कौन करता है। और अमीस, जब मैंने पलट के देखा तो वो गायब हो गई थी। What? गायब हो गई थी? हाँ। क्या मतलब? क्या वो जिन्निया भूत थी? तुम भी ना यार, पढ़ पढ़ के ना तुम्हारा जहन सो गया है। तुमसे कहा है कि टू टेक इट इजी। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं हलूसिनेट कर रही हूँ। ऑब्वियसली इट्स क्वाइट नॉर्मल। इंसान का जहन थक जाता है तो उसको कुछ का कुछ दिखता है। एक्सक्यूज मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जहन थकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं सो के उठी थी। अच्छा बस करो, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? आराम से भी तो बात हो सकती है। अम्मी आप ही बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? और आज के दौर में जिन या भूत ये सब कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं हो सकते? जब इंसान हो सकते हैं तो ये सब कुछ भी हो सकता है। आप कुछ करते क्यों नहीं है? रमेश सही कह रहा है, ये सब तुम लोगों का वहम है। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि ताशा बीमार है, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। उसका इलाज हो रहा था, वो रुक गया, अब उस इलाज को पूरा करना है। लेकिन आप... बस इस बारे में अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ताशा कहाँ है? झाड़ू लगा रही हूँ बिटिया, ये तो परसों से करती आ रही। मुझे बताना है क्या? हेलो बेटा, चोट लगी मेरे बेटे को, दिखाओ। बाबा वजदान और ताशा पुप्पो सबको मारती हैं। उनकी तबीयत खराब है ना बेटी। अच्छा दिखाओ। ओए 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 ओए, ये तो बहुत बड़ी चोट लगी मेरी बेटी को। मेरी मिन्नत तो स्ट्रांग है ना। एक काम करते हैं, हम लेते हैं इसकी एक पिक्चर, ठीक है? और आप देखिएगा, जैसी आपकी चोट ठीक हो जाएगी ना, ऐसा लगेगा जैसे कभी चोट लगी ही नहीं। चलो। और एक पापा के साथ। थैंक यू। अच्छा चलो अब सो जाओ, ठीक है? पापा को काम करना है और फिर सोना है। ओके ओके पापा, गुड नाइट। गुड नाइट बेबी, गुड नाइट। लेट जाओ आराम से।
हेलो ताशा, ताशा, ताशा कहाँ जा रही हो? रहती है अनसुनी कहानियां कही, रहती है अनसुनी कहानियां कही। ताशा, अब्बू! आप बेफिक्र हैं, इन्हें कुछ ही देर में होश आ जाएगा। मगर डॉक्टर, ये हुआ कैसे? इनका नर्वस सिस्टम सही तौर पे काम नहीं करता, आप तो जानते ही हैं। देखिए डॉक्टर, इस तरह तो ये किसी दिन अपनी जान ले लेगी, तो शुक्र है मेरी नजर पड़ गई, बिल्कुल बाल बाल बची है। देखें, इसका ताल्लुक इनकी बीमारी से नहीं है। आज जो भी हुआ, जैसे आपने बताया, बाज लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, ऐसा पहले कभी हुआ? नहीं डॉक्टर, ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ। बस आप इनका ध्यान रखें, मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं। अच्छा, मैंने आपसे इंजेक्शन लगवाए थे। हाँ, वो मेरे फादर लेने गए हैं। ठीक है, मैं स्टाफ से कह देता हूँ, वो लगा देगी। फिर भी कोई जरूरत हो तो मैं इमरजेंसी वार्ड में हूँ। डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर। So tired. थक गई हो? रमेश,
आपको लगता है कि ताशा सिर्फ नींद में थी? कहाँ डालिया, तुम फिर से मत शुरू हो जाओ यार। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जब से हम इस घर में आए कुछ ना कुछ हो रहा है, you know? No, no, I don't know. ठीक है आलिया, I don't know, ना ही मैं जानना चाहता हूँ। पहले क्या मसले कम है क्या मैं इसके ऊपर भी अब सोचना शुरू कर दूँ? तुमने सुना तो था ना कि डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम तो पढ़ी लिखी हो यार। अम्मी इस किस्म की बात करें तो समझ में भी आता, पर तुम? मैं बस इतना कह रही हूँ कि हो सकता है ना कि कोई और बात हो। देखो आलिया, सुनो मेरी बात और समझो जरा। साइंस कहती है कि जिन लोगों को दौरे पड़ते हैं ना, उसके साथ 10,000 और मसले भी होते हैं और उनका इलाज है, लेकिन उनके साथ क्या किया जाए जिनमें कॉमन सेंस ही ना हो। रहती है अनसुनी कहानियां कहीं।